नहीं देवेन ब्रो, ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे थे वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? ये मेरे और देवेन की बात है, आप थोड़ी समझ में आएंगी। हाय, हेलो एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलो। वही कह रहा था सर, आप लिखते हैं क्या? जी ब्रदर, मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है। लिखना एक तरह से कह सकते हैं कि अब आजकल मैं कुछ ज़्यादा लिख रहा हूँ, कुछ महीनों से मैं कुछ ज़्यादा लिख रहा हूँ। अगर कभी वक्त मिलेगा तो डायरी के पन्ने ज़रूर खोलूँगा और आप तक ज़रूर शेयर करूँगा मैं क्या लिखता हूँ। बहुत कुछ लिखता हूँ, किस्से, कहानियाँ, मैं सब कुछ लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ और कुछ लोगों तो कुछ कहानियाँ मैंने सुनाई हैं। हाँ समझ गया ना कुछ लोग कौन है। ठीक है, लिखने के लिए आपको आपकी सोच अलग होनी चाहिए, थोड़ी सी सोच अलग होनी चाहिए। देखिए होता क्या है ना, आप तो 10 लोगों को आपको ऐसी बात करनी है जो दोनों 10ों को पसंद आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई वीडियो होता है, एक कहता है कि यार क्या सर क्या वीडियो बनाया है, दूसरा कहता है क्या बकवास कर रहे हैं सर। तो ये फ़र्क आप पे नहीं है, आपने क्या किया उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, वो उनकी सोच पे फ़र्क है, किसी को अच्छा लगा किसी को बुरा लगा वो। ठीक है, चलिए ये बकवास कभी और करेंगे हम लोग, फिलहाल अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक पे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, ठीक है, पहली बात तो ये है, क्योंकि एक सागर से कहीं आप दो लोटा निकाल लें और कह दें कि ये जो पानी उन्होंने निकाला है यही सबसे इंपॉर्टेंट पानी है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूरा जो सागर है वो कहीं ना कहीं सब पूरा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वो होता है जो क्वेश्चन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, चाहे वो आर्टिकल पे हो, चाहे वो कहीं से हमने अडॉप्ट किया हो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, या कुछ अमेंडमेंट किए हो, जो अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जैसे पूछ लिया, जैसे अयोध्या वाला कांड जो हुआ है, जो यूपी में जो अयोध्या कांड हर कोई जानता होगा, वो किसी आर्टिकल के तहत डाला गया है, वो किस आर्टिकल के तहत डाला गया है। इस तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आपके आते रहते हैं और क्वेश्चंस बनते रहते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी लोगों को टफ लगती है, लेकिन है नहीं कुछ ज़्यादा, इसमें कुछ करने को है नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स आपने अमेंडमेंट्स अच्छी तरह और क्या क्या अडॉप्ट किया है, कहाँ से क्या अडॉप्ट किया है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना ही पढ़ना, अगर IS PC की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन SSC के लिए, रेलवेज़ के लिए, इन सब के लिए इतनी डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतने डीप में क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ठीक है, चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन, और कोशिश करता हूँ मैं अपना जितना ज़्यादा आपको डिलीवर कर सकूँ वो करने की कोशिश यहाँ हमारी रहती है। और फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो facebook.com/gahiedu पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है, द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्ट प्रियम्बल फॉर इट्स ईस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को सबसे पहले किसने किसने अडॉप्ट किया था? हमने कहाँ से लिया? इंडिया ने अडॉप्ट किससे किया है? USA से। तो जाहिर सी बात है USA इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए USA इज़ द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्ट प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल एक लेटिन वर्ड है, प्रियम्बुलस से बना हुआ है। वॉक बिफोर, इसका मीनिंग होता है, जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब होता है वॉक बिफोर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे आधारित है। ठीक है, पहला था US, और US से हमने अडॉप्ट किया। अगर हमसे पूछे कि इंडिया ने प्रियम्बल किससे अडॉप्ट किया है, तो आंसर होगा US से। यूएसए से हमने और क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी राइट्स, ड्यूटीज़ तो USSR से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से लिए हैं USA से। और हमने क्या लिया? सुप्रीम कोर्ट हमने लिया है, सुप्रीम कोर्ट हमने जो अडॉप्ट किया है कैसा होना चाहिए क्या होना चाहिए वो हमने USA से उठाया है। और फिलहाल ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट, हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहाँ से लिया है? USA से लिया है। ठीक है, ये भी याद रखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो हमने कहाँ से उठाया है? USA से। तो USA से तीन चीज़ें हमने ली हैं, प्रियम्बल सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला USA था, और USA से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट लिया है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो कहीं ना कहीं USA से हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द बनते हैं, वो सब भी हम पढ़ते चलेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। द थ्री वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी कहाँ से लिया हमने? ये वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार आया है, पता है आपको, ये क्वेश्चन SSC और रेलवेज में बहुत बार, और UPSC में भी कई बार ये पूछा गया है। कहाँ से लिया हमने ये? ये हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, ये हमने फ्रांस से लिया, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन से हमने उठाया है ये।
लिबर्टी इक्वलिटी एंड फेडरिटी हमने जो अडॉप्ट किया है वो हमने फ्रांस से लिया है। और ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रियम्बल हैज अमेंडेड बाई विच अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना, किसके तहत किया गया? 42 अमेंडमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 46 अमेंडमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा देखो, यहाँ से दो क्वेश्चन है। 46 अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, कौन से दो टर्म ऐड किए गए थे प्रियम्बल में? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1976 में जब सेकेंड 46 अमेंडमेंट हुआ था उसमें दो टर्म हमने प्रियम्बल में कौन से ऐड किए थे? तो वो थे सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, सोशलिस्ट और दूसरा क्या था? सेकुलर। दो टर्म हमने 46 चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। अच्छा ये टर्म किसने दिया पहले ये भी बताता है। बी आर अम्बेडकर साहब ने, अम्बेडकर साहब ने ये टर्म दिया था, और किसके तहत दिया गया है? तो फंडामेंटल राइट के तहत। ठीक है, दो चीज़ें हैं ये दोनों, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? तो फंडामेंटल राइट्स में ये टर्म हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये टर्म किसने दिया है? तो बी आर अम्बेडकर थे। दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। चलो क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो जी वी मवलंकर साहब द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर फर्स्ट फीमेल पूछे, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो कौन थी? मीरा कुमार। फिलहाल में कौन है? सुमित्रा महाजन। ठीक है, चलो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज अटेंड स्टेट बोर्ड फरवरी 1987 को किस यूनियन टेरिटरीज को स्टेट का दर्जा दिया गया? तो वो था गोवा। पहले गोवा और दमन दीव एक ही यूनियन टेरिटरीज में आते थे, फिर इसको अलग किया गया 1987 में और इसको गोवा का दर्जा दिया गया। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि किस अमेंडमेंट के तहत? तो वो होगा 56 अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था 1857 में। दमन एंड दीव एंड गोवा एक ही यूनियन टेरिटरीज आते थे और इस समय 1987 को 56 अमेंडमेंट के तहत गोवा को अलग किया गया और उसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बहुत ईजी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। बी आर अम्बेडकर। इन्हें बी आर अम्बेडकर तो एक नाम से और कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले देखा गया था किसी एग्जाम में कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो वो है बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बहुत ईजी है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वेन वॉज मद्रास, मद्रास मद्रास कुछ भी कहना चाहें, स्टेट रीनेम तमिलनाडु? तमिलनाडु मद्रास को तमिलनाडु का रीनेम कब किया गया था? तो 1969 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कहीं देखा गया था तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने यहाँ पे ले लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कुछ भी कहना चाहें, कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि किसने डिज़ाइन किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, किसने डिज़ाइन किया था? तो पिंगली, PNGALI, पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये अच्छा, इन्होंने डिज़ाइन किया था हमारे नेशनल फ्लैग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन करने वाला आदमी कौन था? पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये आई है, ठीक है, राइटिंग खराब है समझ जाइए, पिंकली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था, 3:2 के रेशियो में होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रेथ की बात की जाए तो ये 3:2 के रेशियो में होता है। ठीक है, चलो चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर कौन था? कृपलानी थे,
मुंशी भी थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज अ नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन ही जैसे दिमाग से बनता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, इसके प्रेसिडेंट कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे, राजेंद्र प्रसाद साहब इसके प्रेसिडेंट थे। दिमाग में आता है, अच्छा लीगल एडवाइज़र कौन थे, लीगल एडवाइज़र कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बी एन राव साहब थे, ठीक है। अच्छा ये टर्म किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आइडिया किसने दिया, इसका आइडिया देने वाला कौन आदमी था। तो ये थे एम एन राव, एम एन सॉरी एम एन राव, एम एन रॉय, सॉरी एम एन रॉय होगा, रॉय नहीं, बी एन राव ने एडवाइज़र थे, लीगल एडवाइज़र थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया दिया था वो बी एन राय साहब ने दिया था, और इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए यहाँ डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड, कब फोर्स में लाया गया। देखिए पूरी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने में कितना वक्त लगा। तो 2 साल 11 मंथ, लगभग 28 सॉरी 18 दिन को इसको बनाने में लगा, ठीक है। जब बना तब 395 क्या थे, आर्टिकल थे इसमें, ठीक है, 395 आर्टिकल थे। और कितने कितने 8 शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल थे जब ये बन के तैयार हुआ, उस समय की बात है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। चीज़ ये है कि 26 नवंबर को 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे बनाने में, ठीक है। जब बना था तो 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल था। 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमने इसको फोर्स किया। व्हाट इज़ द मिनिमम एज अपॉइंटेड, एज फॉर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर की अपॉइंट होती है 35, ठीक है। 35 मिनिमम एज होनी चाहिए गवर्नर को अपॉइंट करने। अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट। इसका टेन्योर क्या होता है, इसका टेन्योर कितने साल के लिए गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, ये होता है प्रेसिडेंट पर डिपेंड। वो 1 साल की भी रह सकता है, वो 6 साल की भी रह सकता है, वो 10 साल की भी रह सकता है, वो जितना प्रेसिडेंट चाहे उसका टेन्योर बढ़ा सकता है या हटा, उसको गवर्नर को हटा सकता है। सब प्रेसिडेंट पे होता है, प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी ताकतें होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड, हाई कोर्ट कब स्टार्ट किया गया, कहाँ सॉरी स्टार्टेड एट कहाँ कहाँ, बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता में स्टार्ट किया गया। पहला हाई कोर्ट जो स्टार्ट कहीं किया गया वो बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि इस समय हमारे इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं, 24, ठीक है। और न्यूली जो 2013 में 3 जगह हाई कोर्ट बने हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया पिछले एक साल पे साल भर में। त्रिपुरा मेघालय और मणिपुर में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए हैं 2013 में। 3 जगह नए हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश किए गए हैं वो है त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, और दूसरा है मेघालय और मणिपुर, मणिपुर है, मणिपुर और मेघालय, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, 3 जगह 2013 में इस्टेब्लिश किए गए हैं 3 नए हाई कोर्ट। अब टोटल हाई कोर्ट की संख्या जो है वो 24 है, ठीक है। चलो, जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाई कौन करता है, नन प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट मैंने कहा ना बहुत सारी ताकतें होती हैं, वो चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट को, गवर्नर को, सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ना हुआ भगवान हो गया, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पे होना और गायब हो जाना। हमारे देश में प्रेसिडेंट है, आपको पता है कहाँ है, कोई नहीं जानता, क्योंकि इतनी फोर्स होने के बाद, इतनी ताकतें होने के बाद भी उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं आप। और चलिए फिर कभी बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में एज रिटायरमेंट जज की, हाई कोर्ट में जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, 65, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफर सर अयोध्या, अच्छा मैंने बता भी डिस्कस किया था कि अयोध्या का जो इशू था वो सुप्रीम कोर्ट में गया है किस आर्टिकल के तहत। ये एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया रिफर्स अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल, 143, ठीक है, 143 आर्टिकल का है अयोध्या वाला जो
मामला चल रहा है वो आर्टिकल नंबर 143 के तहत प्रेसिडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट में रिफ़र किया है। ठीक है, चलो। हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में जजेस को नियुक्ति के लिए कौन डिसाइड करता है कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे? वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, सीधा क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या कहता था? कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन बोरो फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, मतलब हमने कहाँ से बोरो किया है? तो वो हमने बोरो किया है यूएसए से। ठीक है, चलो, राइट क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। यूनियन टेरिटरीज, एक मिनट, हाँ, द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैव हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, दमन दीव का नहीं है, दिल्ली, दिल्ली का हाई कोर्ट अपना खुद का है, दिल्ली का यूनियन टेरिटरीज में आती है और उसका हाई कोर्ट अपना खुद का है। दमन एंड दीव का हाई कोर्ट कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, दमन दीव का हाई कोर्ट जो है वो मुंबई से बिलोंग, लक्षद्वीप का केरला में है, चंडीगढ़ का पंजाब, जानते ही हैं सब लोग। ठीक है, चलो, क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट का जो होता है जहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों साथ में बुलाया जाता है, उसे बुलाता कौन है? पहला तो ये आता है, ये आता है, ये बुलाता है प्रेसिडेंट, और इसको संबोधित कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर। ठीक है, ये लिया कहाँ से है? हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? तो ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से हमने कुछ और चीज़ ली है जो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है? कनकरेंट लिस्ट, CUN, कनकरेंट लिस्ट जो हमने ली है, ठीक है, वो हमने भी ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ज्वाइंट सिटिंग वाला क्वेश्चन अभी नया है, कनकरेंट लिस्ट वाला बहुत बार पूछा गया है। तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाने जो हमने अडॉप्ट किया है वो ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है। बुलाने का क्रेडिट जाता है अपर हाउस लोअर हाउस दोनों को, लोकसभा लोकसभा दोनों साथ में बुलाया जाता है, बुलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन संबोधित करता है जो उसको होल्ड करता है, जो उसको होस्ट करता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो है सुमित्रा महाजन इस समय। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा नया है। क्या कह रहा है? इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का जो हमने अडॉप्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिए, किससे लिया है? वो लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया है, अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आया है और आप पिछले एक आध सालों में देखा जा रहा है एग्ज़ाम में, इसलिए इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का जो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, चलो चलो, अगला क्वेश्चन रहता है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? और सबसे पहला क्वेश्चन ये आता दिमाग में, वाइस प्रेसिडेंट होता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इस समय कौन है? हमीद अंसारी, हमीद अंसारी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय, तो इस समय वाइस प्रेसिडेंट वही है, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वही हुए। अब क्या कह रहा है? अब दो क्वेश्चन आसान हो गया। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो चेयरमैन कौन हुए? राधा कृष्णन। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन कौन हुआ? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्टी, हमारा फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन हुआ? मतलब अगर राधा कृष्णन अब्सेंट है, उनके अब्सेंट पे कौन काम करता था चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पे? तो वो थे कृष्णमूर्ति राव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, कितनी है एक्चुअल स्ट्रेंथ? 245 है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछा जाए तो कितना है? 250 है। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। 245 है, लेकिन 245 में 245 इलेक्टेड नहीं, इसमें से 12 जो होते हैं, जो 12 वो हमारे प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट चुन के भेजते हैं, बाकी 233 जो हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से सेलेक्ट होके आते हैं। बाकी 12 जो होते हैं, अगर 250 से बात की जाए तो 250 में सिर्फ 238 ही सेलेक्ट होंगे, 12 जो होगा वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है कि मेंबर ऑफ द राज्यसभा, 12 अपनी तरफ से प्रेसिडेंट भेजता है जिनको मेंबर ऑफ राज्यसभा का वो जाके रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब
किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, वो म्यूजिक क्षेत्र से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज वाले होते हैं, इवन राज्यसभा के मेंबर विजय साहब माल्या भी हैं, विजय साहब माल्या, विजय माल्या भी है, प्रेसिडेंट ने चुन लिया, तो रेखा विजय, सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं, जावेद अख्तर साहब हैं, ठीक है, तो ये भी होता है। और कितने साल में रिटायरमेंट होता है? हर 2 साल में रिटायरमेंट होता है राज्यसभा के, अभी क्वेश्चन आ जाता है, हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर्ड होते हैं हर 2 साल में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, लेकिन किसकी एडवाइस पे, पीएम की एडवाइस से, मतलब प्राइम मिनिस्टर की, मतलब अगर प्रणब मुखर्जी साहब किसी गवर्नर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो पहले उन्हें नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा, ठीक है, एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन सीधे है, कभी कभी गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किसके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, चलो। प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसे देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, सीधा क्वेश्चन है, अगर वाइस प्रेसिडेंट एबसेंट है तो किसको देगा, ये भी क्वेश्चन आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेट बाई, ठीक है, तो मैंने अभी कहा था प्रेसिडेंट अपॉइंट 245 अगर राज्यसभा का सीटें हैं तो उसमें कौन कितने प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 12, ठीक है, प्रेसिडेंट के हाथ में लोकसभा राज्यसभा में वो अपने 12 अपनी तरफ से वो भेजता है, कितने कितने लोगों, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 12, ठीक है, चलो चलो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स, एक मिनट, इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी करता है, लोकसभा का नहीं करता है, चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, और चीफ ऑफ द एयरफोर्स भी करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो पार्लियामेंट नॉमिनेट करती है, ना कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट या इलेक्टेड करती है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट, प्रेसिडेंट चीफ ऑफ आर्मी करते हैं, चीफ ऑफ एयरफोर्स करते हैं, चीफ ऑफ जस्टिस करते हैं, गवर्नर करते हैं, बहुत सारे अपॉइंटमेंट प्रेजेंट करते हैं, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो इसमें सुमित्रा महाजन साहब जी हैं, उनको कौन अपॉइंट कौन उनको इलेक्ट करता है, वो पार्लियामेंट हाउस इलेक्ट करती है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट, कौन सी पहली महिला थी जो गवर्नर बनी, वो थी सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट लेडी हु गॉट भारत रत्न, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, सरोजनी नायडू को, विजय लक्ष्मी पहली महिला थी जो यूनियन जनरल की मेंबर थी, सुचिता कृपलानी पहली लेडी है थी जो सीएम हुई, कहाँ की, यूपी की, ठीक है, ये सारी लेडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंदिरा गांधी पहली महिला थी जो भारत रत्न जिन्हें दिया गया, विजय लक्ष्मी पंडित जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मेंबर थी पहली, और सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली गवर्नर थी, कहाँ, ये गवर्नर भी कहाँ की थी, यूपी की थी, ठीक है, और सुचिता कृपलानी पहली महिला थी जो सीएम, लेडीज जो फीमेल कोई अगर सीएम बना है तो वो सुचिता कृपलानी है, वो भी कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, चलो। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट मर जाता है, वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मैक्सिमम, अच्छा, प्रेसिडेंट जब मर, उसके मान लीजिए वो अपने कार्यकाल में उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट उसका पद संभालता है, लेकिन कितने कितने दिनों के लिए, कितने मतलब कितने टेन्योर संभाल सकता है कि आपको नया प्रेसिडेंट आपको इलेक्ट कर लेना है, वो है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, चलो। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करेंगे, थोड़ा लेंदी नहीं रखेंगे इसको, 2-3 पार्ट में बनाएंगे, पहला पार्ट ये था, इसके अलावा मैंने एक इंडियन पॉलिटी का वीडियो और कर रखा है, अगर आपको नहीं देखा है प्लीज़ वन इसे डिस्क्रिप्शन में कर ली, वो देख लीजिएगा, ये दूसरा पार्ट था, इसके अलावा तीसरा पार्ट और लेके आएंगे, और कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर आ सकते हैं, और प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन, और चलो चलो।